नहीं, मैंने बेस्ट डैडी ही बोला था. आपने गलत सुना, मैंने बेस्ट बोला था, बेस्ट. ये तुम्हारा खेल बचपन से चल रहा है. कभी वर्स्ट डैडी, कभी बेस्ट डैडी. बस ये खेल हम बाप बेटे के बीच में यूं ही चलता रहे. डैडी, आज फेयरवेल मेरा है तो इमोशनल होने की बारी मेरी है, आपकी नहीं. और आज मैं ऑलरेडी कई बार इमोशनल हो चुका हूँ. अभी तो और भी इमोशनल होना बाकी है, क्योंकि फेयरवेल अभी बाकी है मेरे दोस्त. हाँ अथर्व भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गाना कौन गाएगा? कौन सा गाना किड्डू? वही गाना जो 99% फेयरवेल में गाया जाता है, फेयरवेल का सबसे बेस्ट गाना. बाय डैडी, लव यू. बाय बाय बाय, जाओ. लव यू टू बेटा. चल. टडा! अथर्व महाराज अपने फेयरवेल में फाइनली रोए और सुना है कि खूब रोए. खूब रोए, अरे फूट फूट के रोए, जार जार रोए. और रोने की खुशी में इसीलिए ये लाया हूँ. ठीक है, ये वो शर्त. ओ, शर्त जीतने की खुशी में है ना? लेकिन देखो तो सही. ओके, होल्ड दिस. ओ वाओ, ओ माय गॉड, अदर की फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की सारी यूनिफॉर्म्स का कोलाज. यस, दिस इज सो क्यूट. एंड मैं बहुत ही फालतू. अच्छा तुम भी आ रहा. ये वाला बेस्ट है ना? इतना छोटा सा क्यूट सा था. यस, और अब देखो घोड़ा हो गया, घोड़ा. ये हम सारी तैयारी हो गई ना? यस सर. वेरी गुड तिवारी. 1 2 क्या बात है. ओह, ये तो मतलब क्या बोलते हो, लाइफ साइज कटआउट है. अच्छा भाई साहब, ये सरप्राइज पार्टी किस खुशी में है? वो तो पता नहीं, लेकिन दक्षेश भैया ने सबको इनवाइट किया है. क्या बात है. ज्योति भाभी. हाँ भाई, सेम टू सेम. ओ राजेश भाई, हाँ वो झालर को जाके पूछ लेते ना, चलो ना. अरे बिजी है, देखो कितने. ओ दक्कू भाई, ओ दक्कू भाई, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. एक मिनट, ये सुस्वागतम और ये सरप्राइज पार्टी किस खुशी में? आप लोग गैस कीजिए. अच्छा, गेस भी करना पड़ेगा, क्या है? टेल टेल, बोलो बोलो. एक मिनट, ये तूने गार्डन को दुल्हन की तरह सजाया है, मतलब तेरी एनिवर्सरी है. नो 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 नो. क्या मेरी भाभी को किसी टेलीविजन सीरियल में हीरोइन का रोल मिला है? तुम्हें यामिनी भाभी के कटआउट चाहिए थे यहाँ पे. काश वरना बहन, काश आपकी बात सच निकलती. क्षमा वरना भाभी, क्षमा. पर मुझे आपको भी यही बोलना पड़ेगा कि नो 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 नो. मैं बताती हूँ, किट्टू का बर्थडे है. किट्टू का? लेकिन पता है, हैप्पी बर्थडे. नो 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 नो. आपका ये नो 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 प्लीज रोकिए और कारण बताइए, वरना हम सब गो 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 गो. रुकिए 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 रुकिए, बताता हूँ. दरअसल ये सरप्राइज पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर रहा है तू? मंगलवार. ये पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट का परसों पुराना अटका हुआ एक केस मैंने जीत लिया है. खत्म पार्टी. भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, मेरे द्वारा दी गई सरप्राइज पार्टी में आप सबका हार्दिक स्वागत है. थैंक यू. दिवाली. यस सर, यस सर.
प्लीज। ओह क्या बात है, क्या बात है यमी बॉबी। राजेश भाई क्या बात है, ये आपको हार पहना है क्या? What? अरे आप कहाँ झुक रहे हैं, पकड़िए और मुझे पहनाइए। चलिए फटाफट पहनाइए पहनाइए। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। इसकी क्या जरूरत थी राजेश भाई। थैंक यू, ओपन करने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद इस सम्मान के लिए। और अब आप सब के लिए भोजन तैयार है। क्या बात, शुरू करो दीवारी। यस सर, शुरू करो। वाह वाह, थैंक यू रघु भाई। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। चलो चलो। ओह ओह, अरे बाप रे, ये मच्छर कहाँ से आए? अरे क्या है, तूने पार्टी में मच्छर कोई बुलाया क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता है जो पार्टी केस हार गई ना उन्होंने भेजे मच्छर। ये मच्छर जब एक बार हमको बाइट करता है ना तो अपने खुद के वजन से दुगना खून चूसता है, बोलो। अरे दक्कू भाई ने तो हमारी सोसाइटी में मच्छरों को भगाने के लिए क्रेजी आइडिया देने वाले को 25,000 का इनाम अनाउंस कर दिया, पता है? लेकिन सर हम लोग कितना ही दिमाग लगाए आइडिया निकाले लेकिन मच्छर जाते ही नहीं सर। इन मच्छरों के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई कोई ऐसा इलाज नहीं है सर। मेरे पास एक क्रेजी आइडिया है। हाँ? अगर आप बोले तो इनाम के 12,500 हम दोनों मिलके बांट सकते हैं। दासानी अगर तुम्हारे पास कोई क्रेजी आइडिया होगा ना मैं पूरे के पूरे 25,000 तुम्हें देने को तैयार हूँ, ओके? लेकिन प्लीज वो आइडिया तुम दक्कू भाई को दे दो। राजेश सर मेरे एक दोस्त ने मॉस्किटो सॉल्यूशन स्प्रे बनाया है जिसका नाम है गो मच्छर गो। उस स्प्रे के अंदर जो क्रेजी केमिकल है ना वो तुरंत ही मॉस्किटो यानी कि मच्छर का पॉपुलेशन स्टॉप कर देता है, मतलब एकदम फुल स्टॉप लगा देता है उसके पॉपुलेशन पे। समझ गए ना आप? दासानी लेकिन क्या ये गो मच्छर गो स्प्रे के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है। हाँ। हाँ। कैसे सुनेंगे, नया है ना। क्या है, उनके लिए एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और आपके लिए क्रेजी आइडिया हो जाएगा, दोनों मिल जाते हैं। करो कंकुना। तिवारी तुम और राजकुमार अपनी अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए हो। चुप, गार्डन में, स्टेयर केस पे, लॉबी में, यहाँ वहाँ जहाँ देखो गंदी गंद नजर आ रही है मुझे। साहब मैं तो राजकुमार को बोल बोल के सफाई करवाता हूँ साहब, और कहीं फिर भी गंदगी दिखती है तो खुद भी साफ करता हूँ साहब। अच्छा हाँ। अगर तुम साफ करते तो कल रात मेरी पार्टी में ये मच्छर कहाँ से आए? साहब ये मच्छर तो वो सब गार्डन के पीछे जो अपना चुप, यहाँ वहाँ इधर उधर ये बोल के बहानेबाजी मत करो, अभी के अभी जाकर सफाई करो। अगर तुमने सफाई नहीं की तो इस महीने की तुम्हारी पगार कट। नहीं नहीं सारा समझ कीजिए, मैं जाता हूँ साहब। हाँ हेलो राजेश भाई, बोलिए क्या बात है? ओहो बड़े उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं सरकार। मिस्टर राजेश वागले, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपके पास मच्छर भगाने का कोई क्रेजी आइडिया है तो बोलिए वरना फोन कट कर दीजिए। अरे एक मिनट क्या नाराज हो रहे, एक मिनट, एक क्रेजी आइडिया है, बात कीजिए यहाँ दासानी से। व्हाट? हेलो दक्कू भाई, मेरे एक दोस्त ने गो मच्छर गो नाम का क्रेजी स्प्रे बनाया है, मार्केट में अभी भी नया आया है। एक स्प्रे मारते ही मच्छर का पॉपुलेशन खत्म। तो दसानी तुम्हारे उस दोस्त का नंबर अभी के अभी मुझे दो, मैं अभी तुम्हारे उस दोस्त को यहाँ बुलाता हूँ और पूरी सोसाइटी में स्प्रे करवाता हूँ। हाँ हाँ दक्कू भाई, लेकिन उस स्प्रे का है ना एक छोटा सा साइड इफेक्ट है। दसानी मैं किसी भी साइड इफेक्ट से नहीं डरता हूँ, बस वो स्प्रे इफेक्टिव होना चाहिए। जल्दी से जल्दी मुझे तुम गो मच्छर गो वाले का नंबर दो, जल्दी। जैसी आपकी मर्जी दक्कू भाई, मैं अभी आपको नंबर फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू। मेरी मेरी पार्टी में आग लगाने वाले इन मच्छरों की खैर नहीं। गो मच्छर गो। तिवारी जी कहाँ चले गए? तिवारी जी कहाँ चले गए ड्यूटी छोड़ के इतनी रात को?
तिवारी जी, तिवारी जी, जी माना, वरना भाभी, आप यहाँ इतनी रात को, oh my god, ये तिवारी कहाँ रह गया? एक नंबर का कामचोर इंसान है, हमेशा ड्यूटी छोड़ के चला जाता है, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। ए देखो भाई, तिवारी जी को मैंने मेडिकल स्टोर भेजा है, दवाई लाने के लिए। राज को एसिडिटी हो गई है ना, तो उसी के लिए। ओ, तो तिवारी आपके काम से गया है? तो कोई बात नहीं बनना भाभी, मैं आपको बता दूं कि निगोड़े मच्छरों से हम लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। हाँ, कैसे? क्योंकि आपके पति राजेश वागले ने मुझे गो मच्छर गो स्प्रे वाले से मिलाया है। तो जल्दी से सोसाइटी में स्प्रे करवाइए ना दक्कू भाई, इन मच्छरों ने सच में परेशान करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आ गया जल्दी होगा जी। पर वो तिवारी अब तक आया क्यों नहीं, मैं देख कर आता हूं। नहीं दक्कू भाई, वो इतनी रात हो गई है और आप सेक्रेटरी हैं, आपको कल भी तो सोसाइटी का इतना काम करना है, हाँ? तो आपको भी रेस्ट की जरूरत है, प्लीज आप जाकर सो जाइए। वाह वन्ना भाभी वाह, कितनी दयालु हैं आप महान हैं। पर सबसे पहले वो 402 वाला जो डिसूजा है हमेशा मुझे शिकायत करता रहता है कि गार्डन में लाइट हमेशा बंद करती रहती है, तो मैं अभी चेक करके आता हूँ। प्रणाम। ओके देखो, ओह माय गॉड, तिवारी जी चले कहाँ गए हैं? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। गो मच्छर गो स्प्रे करने के 4 घंटे बाद ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मच्छर के कानों में तेज तेज घंटियां बजना शुरू हो जाएगी, बस देखते ही देखते सारे मच्छर गायब। सर क्या हुआ? मच्छर था। इम्प्रेसिव। जी सर, वेरी इम्प्रेसिव। लेकिन जो मच्छर गायब हो गए वो वापस आ जाए उसका क्या? हाँ सर, हमारी कंपनी की गारंटी है, एक मच्छर भी वापस नहीं आएगा। सर सर क्या है ना, इस गो मच्छर गो स्प्रे में एक खास तरीके का क्रेजी केमिकल है। क्रेजी केमिकल? कैसा क्रेजी केमिकल? सर वो हमारी कंपनी का सीक्रेट है, हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन सर आपको बता सकता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।